टू मोल्स ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग फ्रॉम Changing from 1 bar 300 Kelvin to 20 bar देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां दिया हुआ है 2 मोल ऑफ ए लिक्विड, तो मोल इज इक्वल टू लिख दो 2, चेंजिंग फ्रॉम 1 bar 300 केल्विन से जा रहा है ये 20 bar 400 केल्विन। सी भी इज इक्वल टू 20 जूल पर मोल पर केल्विन। तो पहले डेल्टा यू निकालो यहां से, एनसीबी डेल्टा टी, एन का वैल्यू 2 दिया हुआ, सीबी का वैल्यू 20 और डेल्टा टी हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो 20 जो 40 4000 जूल, ये आगे बच्चों क्या डेल्टा यू। अब निकाल लो यहां डेल्टा एच, डेल्टा यू प्लस P2B2 माइनस P1B1, डेल्टा यू प्लस बी कॉमन है बी बाहर निकाल लो, P2 माइनस P1। ओके अब यहां देखो डेल्टा यू का वैल्यू कितना है 4000, ठीक है पुट कर दो यहां पे, और प्लस बी के बारे में क्या बोला है, बी देखिए डायरेक्ट लिख के नहीं दिया, बी के बारे में बोला है यहां पे बी एम मतलब दिस इज मोलर वॉल्यूम, मतलब 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई 20 ml पर मोल, ठीक है। मतलब 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 20 ml। आपको पता होना चाहिए यहां पे कितना मोल गैस है बच्चों, 2 मोल गैस है, कितना ऑक्यूपाई करेगा 2 × 20 है ना, 2 × 20। अगर ml को लीटर में कन्वर्ट करना डिवाइड बाय क्या आपका 1000, और इंटू देखो P2 कितना है 20 है ना, तो 20 माइनस 1 और इंटू करना पड़ेगा 100। ये 12 लीटर को जूल में कन्वर्ट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से आ जाएगा आपका अब 4000 प्लस 20 × 2 × 19 और इंटू 100 डिवाइड बाई 1000, 2020 इधर से कैंसिल आउट हो गया, 4000 प्लस 4 × 19, 4000 प्लस 4000 ये आ गया, ठीक है। और अगर किलो जूल में लाएंगे इसका डेल्टा एच का वैल्यू तो आ जाएगा बच्चों 4.076 किलो जूल, ठीक है। ये कंडीशन है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। समझ गए, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किए डेल्टा एच बाय यूजिंग डेल्टा यू, ठीक है।
आगे बढ़ता हूं, आगे कंडीशन आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड टाइप में अब हम लोग जा रहे क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन ही है। अब क्वेश्चन लिखिएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एसिटिक एसिड एक्सीड दैट ऑफ सॉलिड बाय 0.5 मीटर क्यूब पर ग्राम एट 1 atm प्रेशर। कैलकुलेट कैलकुलेट वर्क डन बाय मेल्टिंग ऑफ वन मोल ऑफ एसिटिक एसिड। सॉल्व करिए इसको, नहीं तो मैं ही सॉल्व कर दूंगा, बता देता हूं, जल्दी से सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, ज्यादा समय नहीं है, 2 ही मिनट का है। आगे आंसर देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एसिटिक एसिड एक्सीड दैट ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना, समझ रहे हो, मेल्ट जब हो रहा है उस टाइम पर ग्राम के वजह से 0.5 मीटर क्यूब वॉल्यूम का चेंज आ रहा है। 0.5 मीटर क्यूब पर ग्राम वॉल्यूम का चेंज आ रहा है एट 1 atm। कैलकुलेट वर्क डन, तो यहां पे क्या लगाएंगे, वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ पी डेल बी। अब पी डेल बी क्या, माइनस ऑफ पी बी ऑफ लिक्विड माइनस बी ऑफ सॉलिड, और बोल रहा है ना पर ग्राम कितना एक्सीड कर रहा है 0.5 मीटर क्यूब पर ग्राम। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, P इंटू 0.5 मीटर क्यूब पर ग्राम इंटू क्या आपका 60 ग्राम
एसिडिक एसिड का मोलर मास क्या होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे माइनस ऑफ पी इंटू पॉइंट फाइव इंटू 60 मीटर क्यूब, इस मीटर क्यूब को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बोलो जल्दी, इसमें करना पड़ेगा कन्वर्ट। लीटर में, ओके, हाँ लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लीटर में कन्वर्ट करके यहां पुट कर दीजिए एंड उसके बाद यहाँ पे थाउजेंड, ये 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपका जूल में वर्क डन, समझ गए ना, वही चीज है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहां लाके पुट कर दो। ठीक है, चलो जल्दी करो और आंसर सेंड करो। आगे आंसर, अरे कुछ नहीं करना भाई, प्रेशर 180 दिया है, 0.5, 60 इंटू कर दो यहाँ पे क्या 1000 और इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 10^5। ये आया आंसर, ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ध्यान दो, ऐसी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम देखो, कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू डेल यू एंड डेल एच, जल्दी जल्दी करो यार, बहुत पढ़ाना यार, टाइम खत्म हो जाता है यार रोज रोज। डेल एच ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन ऑफ 5 मोल ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड एट 127 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, डेलेज वेपराइजेशन इज इक्वल टू 50 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जल्दी से निकालो, डेल एच वेपराइजेशन इज इक्वल टू 50 किलो जूल पर मोल। जल्दी करो यार, कंप्लीट, टाइम नहीं है ज्यादा, समय बहुत कम है, तुरंत समय खत्म हो जाता है ना, तो आप जल्दी से कंप्लीट करो यार, प्रॉब्लम कंप्लीट करो जल्दी से, प्रॉब्लम सॉल्व करो। इसीलिए मैंने बोला था कल आपको होमवर्क इसलिए सेंड किया था कि बच्चा प्रैक्टिस करके आएगा तो यहां मजे से सॉल्व करेगा, नहीं बच्चा सॉल्व करके आएगा तो यहां बेवकूफ बनेगा बैठ के। दिव्यांग का आंसर आया है, और बच्चे बाकी सेंड करिए भाई। कशिश सेंड करो बाबू, कशिश, सुबोध जोशी, आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। अरे जल्दी सेंड करो यार, मजा नहीं आ रहा मुझे, फास्ट स्पीड करो यार जरा, मजा नहीं आ रहा मुझे अभी, स्पीड चाहिए स्पीड, है ना, स्पीड ही तो है जो बाकी बच्चों से आपको डिफरेंशिएट करेगा, आराम आराम से तो कोई भी सॉल्व कर देगा यार, स्पीड लाओ स्पीड, है ना,
आपके साथ एग्जाम में टोटल 10-12 लाख बच्चे रहेंगे, 10-12 लाख बच्चों को हरा के तुमको रैंक लाना है। ऐसे तो नहीं आएगा ना बच्चों, कुछ डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा उनसे, डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ अलग स्पीड लाओ। स्पीड मैटर करता है, हैंडराइटिंग वैंडराइटिंग मैटर नहीं करता, किस स्पीड से आप सॉल्व करते हो ये मायने रखता है। चलिए आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो बोल रहा है कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू डेल यू एंड डेल एच, क्यू डब्ल्यू डेल यू एंड डेल एच। सबसे पहले देखिए इसका डेल एच निकालेंगे, 5 मोल, ये 1 मोल के लिए, 5 के लिए कितना हो जाएगा, 5 × 50, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 250 किलो जूल, 250 किलो जूल हो जाएगा। और सुनो बाबू, जब बात करें यहां पे बोला कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू डेल यू एंड डेल एच, और वेपोराइजेशन हो रहा है मतलब लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, एंड एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू इज इक्वल टू क्या आपका डेल एच, सो क्यू इज इक्वल टू व्हाट, 250 किलो जूल, आ गया आंसर। एंड इसके बाद अगर निकालना है वर्क डन, है ना, तो वर्क डन कैसे निकलेगा, बताए थे ना कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी इनटू वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इसमें इसको हटा देंगे, टेंस टू जीरो बना के इसके मतलब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हटा दिए, तो सिर्फ क्या बचा, माइनस ऑफ पी भी गैस, इसके बदले बताया था लिखना माइनस ऑफ एनजीआरटी, बोला था ना, अरे हाना बोलो हाना बोलो हाना बोलो बोलो जल्दी, 5। और मेरी बात एक सुन लीजिए, ये जो आर है ना, ये जो आर है इसको यहां लाके पुट करेंगे, अगर 8.314 पुट करोगे आउटपुट आपको जूल मिलेगा, और पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में टेम्परेचर हम लोग यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ केल्विन, 127 प्लस 273 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 400 मल्टीप्लाई करोगे जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा आपका जूल में, किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो। अब लगा दो फ्लॉट, FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो देखिए डब्ल्यू पता है क्यू पता है, दोनों का ऐड कर देंगे क्या निकल जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है बच्चों। चलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, नेक्स्ट अब आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे, आराम से देखिएगा, ओके आराम से देखना, यहां पे लिखो केमिकल रिएक्शन, ये जो चारों हम लोग वेरिएबल पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी डेल यू डेल एच डब्ल्यू क्यू, वो सारा कुछ यहां पे मैं फाइंड करूंगा इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन। और एक बात याद रखिएगा कि जब केमिकल रिएक्शन होता है ना तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और बच्चों एक बात यहां पे आप याद रखना दिल दिमाग खोल के, कि भैया की भैया मत याद रखना, आगे वाला बात याद रखना, क्या याद रखोगे, अनलेस अदरवाइज मेंशन इन एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब जब तक आपको कुछ मेंशन करके ना दे तब तक आप प्रेशर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट लेकर चलोगे इन केमिकल रिएक्शन, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन अपन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ओके अब यहां लिखो अनलेस अदरवाइज मेंशन, अनलेस अदरवाइज मेंशन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आर परफॉर्म एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है ना, अरे ठीक है ना, लिखो ठीक है,
ठीक है लिखो, ठीक है जल्दी से बताओ, आगे बढ़ेंगे, जल्दी बोलो यार। आगे चलते हैं, आगे बढ़ता हूं, जरा ध्यान ध्यान से सुनो। क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा, डेल एच। और अगर वॉल्यूम मान लो कांस्टेंट बोलता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम U इक्वल टू क्या जाएगा, डेल यू। ठीक है, अब आ जाइए वर्क डन पे, तो वर्क डन में हो जाएगा माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डीबी, बी वन से लेके बी टू तक, दैट इज इनिशियल से लेके फाइनल तक। अब यहां जरा देखिए, वर्क डन इक्वल टू, ये एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो बाहर इसको फेंक दीजिए, भाग जा ऐसा बाहर जाएगा, तो प्रेशर बाहर चला गया। और यहां पे बच्चा डी भी इनिशियल से भी फाइनल, अब भी को इंटीग्रेट जब करेंगे हो जाएगा माइनस ऑफ पी और इनटू भी इनिशियल से भी फाइनल। अब आगे जरा मेरी बात को आप सुने, मेरी बात को सुने, आपको मैंने क्या कहा, सॉलिड और लिक्विड अगर है या गैस के साथ, तो सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब सिर्फ किसको कंसीडर करते हैं, गैसियस वॉल्यूम को। तो जो रिएक्टेंट है गैस फेज में वो इनिशियल, उसका वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम कहलाएगा, और जो प्रोडक्ट है गैस फेज में उसकी उन सभी का वॉल्यूम क्या कहलाएगा, फाइनल वॉल्यूम। मतलब जितने प्रोडक्ट बनेंगे उन सभी के वॉल्यूम का सम को हम क्या कहेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, फाइनल वॉल्यूम। और जितने भी रिएक्टेंट गैसियस फेज पे होंगे उन सभी के वॉल्यूम के सम को बोलेंगे इनिशियल वॉल्यूम, और उन दोनों का डिफरेंस हम यहां पर निकालने से लिखेंगे माइनस ऑफ पी भी और प्रोडक्ट विच एग्जिस्ट इन गैस फेज, इसी को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो, अरे बोलो ना, क्या बोलेंगे, फाइनल वॉल्यूम। और यहां समेशन का साइन लगा दो, आई इक्वल टू वन टू एन, क्यों ऐसा, मतलब जितने भी गैस उन सभी को ऐड करें, माइनस समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट विच एग्जिस्ट इन गैस फेज, ये लिख दिए। अच्छा सुनो, ये पी भी जब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई को क्या देगा, माइनस ऑफ एन जी आर टी, इसका प्रोडक्ट का है ना, और ये मोल किसका है, गैस का, और फिर इधर ये माइनस कॉमन ले, माइनस एन जी आर टी। ठीक है, समझ रहे हो, और ये किसका, रिएक्टेंट का, और ये भी जो एन जी आप लिख रहे हैं ना, तो टोटल वॉल्यूम के पोजीशन लिख रहे हैं, तो ये एन जी में भी समेशन का साइन लगाएंगे, आई इक्वल टू वन टू एन, मतलब जितने भी गैसियस प्रोडक्ट है उन सभी के मोल का सम, और यहां भी आई इक्वल टू वन टू एन, जितने भी गैसियस रिएक्टेंट है उन सभी के मोल का सम। ठीक है बच्चों, तो यहां से कंडीशन आता है, कंडीशन आता है कि आर टी आप कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस ऑफ आर टी कॉमन ले लीजिए, क्या आ गया, समेशन ऑफ एन जी प्रोडक्ट आई इक्वल टू वन टू एन माइनस समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन एन जी ऑफ रिएक्टेंट। और याद करिए केमिकल इक्विलिब्रियम, याद करिए केमिकल इक्विलिब्रियम, आपने पढ़ा था समेशन ऑफ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट विच एग्जिस्ट इन गैस फेज माइनस समेशन ऑफ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट विच एग्जिस्ट इन गैस फेज के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एन जी। तो ये चीज जो है ये क्या देगा बच्चों, डेल्टा एन जी। ओके, तो यहां पुट कर देंगे माइनस ऑफ डेल्टा एन जी, माइनस ऑफ डेल्टा एन जी आर टी, ये आ गया वर्क डन किसी भी रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का, मतलब कभी भी किसी भी टाइम आपसे कह रहा है कि बेटे कैलकुलेट कर वर्क डन,
है ना, तो आप ये मत कहना कि नहीं करेंगे, करना पड़ेगा भाई। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा एन जी आर टी, दिस इज वर्क डन। तो कैसे आया ये पूरा कंडीशन बता दिए आपको, है ना। जैसे मान लिया दिया था टू ए गैस प्लस थ्री बी, थ्री बी सॉलिड गिव फोर सी लिक्विड एंड टू टू डी गैस, ये गैस और ये गैस, ये दोनों सिर्फ इन्वॉल्व होगा, ये दोनों जो है ना स्पेक्टेटर है, दैट इज जो सिर्फ देखने का काम करे, ना सॉल्व करे, ना पढ़ाए, ना पढ़े, स्पेक्टेटर है। जैसे मैच चल रहा है, बाहर से बैठ के ज्ञान देते रहते ना, अरे इतना मारना था, आउट हो गया, बेवकूफ है, खुद खेलने बोला जाए तो एक रन नहीं बना पाओगे, बस वही बात है। दिस इज अ स्पेक्टेटर, ज्ञान देने वाला, है ना। बट काम करने का काम कौन कर रहा है, ए और बी, इसी के वॉल्यूम, ये कहलाएगा प्रोडक्ट का वॉल्यूम, फाइनल मतलब फाइनल वॉल्यूम इसका जो भी वॉल्यूम होगा, ये इनिशियल वॉल्यूम। तो यहीं से पूरा डिराइव किए, इसका डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच एग्जिस्ट इन गैस फेज टू, और इधर टू क्या हो गया जीरो, ऐसे तो निकालते, याद आ रहा होगा आपको। तो ये जो वर्क डन का फॉर्मूला आया, ये फॉर एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डेल्टा एन जी आर टी माइनस साइन के साथ। और मैं आपको ये समझाना चाहता हूं बच्चों, ये मैंने आपको ठगा नहीं है कि फॉर्मूला लिख दिए कहां से आप पता ही नहीं है, मैंने आपको कायदे से बताया कि कहां से मैंने इसको डिराइव किया, कैसे डिराइव किया, ये चीज मैंने आपको बता दिया। तो इसको लिखने के बाद एक बार जल्दी से बता दो, यस सर आ गया समझ में, जल्दी बोलो यार, टाइम खत्म हो रहा है यार, समझो यार बात को यार, पढ़ाना है यार बहुत सारा कुछ। बाकी लोग को कुरियर में भेजेंगे लिख के लेटर, तब वो उधर से मैसेज करेंगे, हो सर समझ में आए। लोग श्वेता भगत बहुत बढ़िया, आदित्य राज बाबू मैसेज नहीं करोगे, तुम्हें अलग से मतलब अलग से तुम्हें लेटर लिख के सेंड करूं क्या कि तुम हमें मैसेज करो। अंकिता, अनुष्का, स्वप्नूर, आयुष, दिशा, गर्गी, मैथिली, मृत्युंजय, मृदुला, मृणाल, खान जी, निहारिका करिए मैसेज, प्रणय, प्रथमेश, शनिका, आप लोग क्या बैठने देखने आए हो सिर बाबू, मतलब ऐसे बैठने आए हो, जादू देखने आए हो क्या, देख रहे हैं बस, मैसेज करो ना यार, रिप्लाई करो ना, मतलब ये टॉपिक आपको कौन पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है ना, तो ये आप कितना सीखेंगे इस पर डिपेंड करता है, टीचर पे ना। आपसे वो कह रहा है कि नहीं आप मैसेज करो, ये सर तो मैसेज करोगे ना, मैसेज करिए चुपचाप से सभी लोग, ऐसे नहीं होता अपनी मन मर्जी चलेगी आपके, आप जो चाहेंगे वैसे ही होगा। फिर बाद में जब आपको नई क्वेश्चन बनेगा तो बोलिएगा सर ही ने तो पढ़ाया, नहीं बन रहा। खुशी, गौरी, श्रुति, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, आप मैसेज नहीं करो, मैं इसी टॉपिक को वापस से पढ़ाऊंगा, सुन लो पूरे लेक्चर में इसी को पढ़ाऊंगा, मैसेज करो जल्दी से, यस और नो, मतलब गजब हो यार तुम लोग, सुबह सुबह क्लास जो ज्वाइन करते हो किसके लिए, टीचर के लिए ना बाबू, तो जब पूछेगा कि समझ में आया कि नहीं आया टीचर, तो आप जवाब तो दे, वो रिप्लाई तो करोगे ना, रिप्लाई करो यार, ऐसे नहीं होता कि आप अपनी मर्जी करेंगे। अभी कुछ बच्चों का और रिप्लाई नहीं है, बाकी सारे बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए, हर बार आना चाहिए। आदित्य राज तुम भाई नहीं करेगा क्या मैसेज, देखो नहीं समझ में आया है, चलो ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूँ वापस, मत बोलो जब तक नहीं बोलोगे सारे बच्चे, मैं पढ़ाता रहूंगा ये टॉपिक आज। तुम लोग क्या, तुम लोग जिद्दी हो यार, मतलब हद हो, मतलब
यार एक बार में मैसेज क्यों नहीं करता है? हर एक बच्चे का मैसेज आना चाहिए हमारे पास। समझ में आया नहीं आया पूछू तो, क्योंकि बाद में पढ़ा दूंगा क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या बोलिएगा, सर ने तो पढ़ाया नहीं बन रहा है। बच्चे नहीं होना यार, अब समझा दिया कि मैसेज करो तो मैसेज करिए ना। ऐसा तो नहीं है कि 4 साल के बच्चे हो 100 बार बोलेंगे तब मैसेज आप करोगे। पार्थ प्रणय तुम दोनों का यार अलग से मैं कॉल करूं क्या? चलिए यहां पे ये वगडन का फॉर्मूला आ गया। अभी बोल रहे तुम आया यार, 1 घंटे बाद बोलो यार, अब मत बोलो ना, क्यों बोल रहे, रहने दो। अब वगडन इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ऑफ डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। वगडन इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एन जी आर टी आ गया। तो यहां से सुने, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन का वगडन कंपेरिजन करना हो या वगडन निकालना हो तो अपन माइनस ऑफ डेल्टा एन जी आर टी का यूज करेंगे। टेम्परेचर दिया रहेगा और डेल्टा एन जी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे पता है आपको? मैंने बताया, समेशन ऑफ स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट व्हिच एग्जिस्ट इन गैस फेज माइनस समेशन ऑफ स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट व्हिच एग्जिस्ट इन गैस फेज। ओके, यहां से डेल्टा एन जी अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, और साथ में आर टी मल्टीप्लाइड है, तो ये वर्क डन आ गया। समझ गए क्या वर्क डन? अब आगे बढ़ता हूं, सुनो, जो वॉल्यूम है ना सॉलिड और लिक्विड इसको क्यों नेग्लेक्ट करते हैं? क्योंकि बहुत निग्लिजिबल होता है कंपेरेबल टू गैस, ठीक है, इसलिए ये नेग्लेक्ट हो जा रहा है, इसलिए हम लोग सिर्फ गैस को ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना, बता चुका। और अगर डेल्टा एच आपको निकालना है बाबू, इस फॉर्मूले का यूज करो, डेल्टा यू प्लस पी डेल पी बी, ठीक है। अब आपको पता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू और प्लस इसको लिखते हैं ना पी टू बी टू माइनस क्या आपका पी वन बी वन। देखिए ये पी टू और पी वन तो मतलब कॉन्स्टेंट ही प्रेशर है यहाँ का, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू और प्लस पी कॉमन ले लिए, और ये जो बी टू माइनस बी वन है, बी क्या फाइनल वॉल्यूम माइनस क्या इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम मतलब क्या पी भी फाइनल, और फाइनल मतलब क्या आपका, ऐसा लिख सकते हैं कि पी वॉल्यूम ऑफ गैसियस फेज विच एग्जिस्ट इन प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ गैसियस फेज इन रिएक्टेंट। यहां से आ जाएगा क्या आपका डेल्टा यू और प्लस पी भी गैस के बदले लिख सकते हैं एन जी गैस और प्रोडक्ट इंटू आर टी और माइनस ऑफ एन जी रिएक्टेंट आर टी, डेल्टा यू प्लस आर टी कॉमन ले लेंगे, यहां से एन जी प्रोडक्ट एन जी रिएक्टेंट का क्या आ जाएगा, डिफरेंस में क्या आ जाएगा डेल्टा एन जी, है ना। कुल मिलाकर रिलेशन क्या आ गया कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। ये कंडीशन भी ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कैसे आया ना, रटोगे ना डायरेक्ट तो दिमाग खराब हो जाएगा, है ना, इसलिए ये रीजन मैंने बता दिया कि कैसे हो रहा है। सारे बच्चे एक बार मैसेज करो जल्दी से, ये जो मैंने बताया वो आया कि नहीं? एक एक बच्चे का मैसेज आना चाहिए हमारे पास, सीधा बात सुनो, वरना नहीं पढ़ाऊंगा यार, क्योंकि मैं शर्तों पे नहीं पढ़ाता बच्चों को, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब मेरे को आउटपुट चाहिए, मेरे पढ़ाने के बाद आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा तो मजा क्या आएगा पढ़ाने के बाद। सारे बच्चे का मैसेज आना चाहिए, मैं एक एक को पढ़ा रहा हूं। मतलब आप गौरी गौरी कदम बाबू रिप्लाई करो, यश चौहान, यश चौहान वेद खुशी गिव मी आंसर प्लीज, आपको समझ में आया या नहीं आया? इफ आंसर ना है तो ये कंडीशन ध्यान रखेंगे, वर्कडन निगेटिव आ गया क्या बोलेंगे बाय द सिस्टम, वर्कडन पॉजिटिव आया क्या हो गया ऑन द सिस्टम। अब वो कैसे चेक करेंगे, तो देखिए वर्कडन का फॉर्मूला यहां लिख दो,
माइनस ऑफ डेल्टा एनजी आर टी, ठीक है ना। अरे एक बात बताइए, डेल्टा एनजी निकालना आप लोगों को आता है ना, मैसेज करो जल्दी से। केमिकल इक्विलिब्रियम में आप पढ़े होंगे केपी इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एनजी, वहां पे ये डेल्टा एनजी हम लोग निकालते थे, या फिर यूनिट ऑफ केपी में यूज करते थे एटीएम टू द पावर डेल्टा एनजी, या यूनिट ऑफ केसी में यूज करते थे मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एनजी। याद आ रहा है क्या? सारे बच्चे मैसेज करो, अगर मैसेज नहीं आया ना बाबू तो मैं एक ही चीज पढ़ाऊंगा पूरे पूरे लेक्चर। ये आपको याद है ना? बिल्कुल नहीं है तो सीधा याद रखना कि प्रोडक्ट साइड में जो भी गैस है उसका कोफिशियंट का सम माइनस रिएक्टेंट साइड में जो भी गैस है उनके कोफिशियंट का सम, जो वैल्यू आएगा उसको डेल्टा एनजी कहेंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब देखो वर्कडन, ये फर्स्ट केस बच्चों, डेल्टा एनजी का तीन पॉसिबिलिटी है ना। मान लो डेल्टा एनजी का वैल्यू आया ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या ग्रेटर देन जीरो, देन उस केस में देखिए वर्कडन इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एनजी आर टी, ये आर तो पॉजिटिव है, टी भी पॉजिटिव है और डेल्टा एनजी भी पॉजिटिव आ गया, तो ये सब पॉजिटिव है और साइन लगा क्या माइनस, तो कैसा हो जाएगा आपका निगेटिव वर्कडन, मतलब यहां पर क्या होगा एक्सपांसन, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इंक्रीजेस, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का वॉल्यूम क्या है ज्यादा है, ओके। और उसके बाद वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम इसको बोलेंगे, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो जरा कंडीशन सेकेंड केस है बच्चों, इफ डेल्टा एम जी लेस देन जीरो, और ये कब आएगा ऐसा, जब समेशन ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट लेस देन समेशन ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट विच एग्जिस्ट इन गैस फेज, है ना। तो इस केस में वर्क डन जो है माइनस ऑफ डेल्टा एनजी लगाएंगे आप आर टी लगाएंगे, देखिए ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये जो डेल्टा एनजी वो क्या गया यहां से निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, तो यहां से वर्क डन क्या जाएगा पॉजिटिव वर्क डन आ जाएगा। अगर पॉजिटिव वर्क डन आ गया तो बोलेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, वरना बच्चे पूरा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि क्या करे नहीं करे, कंफ्यूज हो जाते हैं पूरे तरीके से, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। और थर्ड केस है कि, और यहां पूछे बताओ एक्सपांसन हुआ कि कंप्रेशन, तो क्या बता देंगे कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम डिक्रीजेस, मतलब प्रोडक्ट का वॉल्यूम रिएक्टेंट के वॉल्यूम से कम है, ठीक है, समझ गए। आगे थर्ड में, इफ डेल्टा एनजी इज इक्वल टू जीरो जीरो, तो वर्क डन आ जाएगा माइनस ऑफ ये एससी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो नंबर मल्टीप्लाइड होता है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ, उसी को बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे ये N2 गैस प्लस H2 गैस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, तो सारे ये गैस में, तो देखिए यहां पूछेगा वर्क डन कैसा है बताओ, पॉजिटिव है निगेटिव है, क्या एक्सपांसन है कंप्रेशन है क्या है बताओ। तो देखिए इसका कोएफिशिएंट क्या है, ये इसका कहलाएगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 और माइनस 3 और 1 क्या हो गया 4, कितना आ गया माइनस 2 निगेटिव। जिस बच्चे ने पूछा था एससी क्या है उसको समझ में आ गया बाबू, एससी इज नोन एज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। चलो ठीक है, ऐसे पूछोगे तो मजा आएगा ना यार, इफ डेल्टा एनजी इक्वल टू जीरो देन वर्क डन इक्वल टू डेल्टा एनजी आर टी, अगर इसका वैल्यू जीरो आप पुट कर देंगे तो वर्क डन क्या जाएगा जीरो, कोई भी वर्क वहां पे नहीं हो रहा है, ओके। अभी मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूं अब, ठीक है ना, प्रॉब्लम दे रहा हूं, लिखिएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज डन बाय
सिस्टम ऑब्लिक सराउंडिंग, सिस्टम ऑब्लिक सराउंडिंग, ठीक है। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ NH3 और इक्वेशन दिया N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, गैस गैस गैस, ठीक है। डिसोसिएशन ऑफ CaCO3, CaCO3 जो है वो सॉलिड है, हीट करने पे टूट गया, CaO सॉलिड और CO2 गैस बनाया। थर्ड है बच्चों, थर्ड है ओजोनलेसिस ऑफ O2, तो 3O2 कन्वर्टेड इनटू 2O3 गैस। फोर्थ है मेल्टिंग ऑफ आइस, इसके बाद है आखिरी। अरे टाइम बहुत कम है यार, जरा फास्ट सॉल्व करो यार। यार तुम लोग JEE के लिए पढ़ रहे हो और नीट के लिए, वहां स्पीड चाहिए होता है, एक घंटा में 45 क्वेश्चन सॉल्व करना होता भाई। स्पीड वा बढ़ाओगे पहले तब ना, थोड़ी वहां जाके डायरेक्ट पल्सर चलाओगे, इधर घूम रहे हो साइकिल से, ऐसा थोड़ी ना है यार। डिसोसिएशन ऑफ PCl5, स्पीड लाओ स्पीड लाओ स्पीड। नीट में एक घंटा में 45 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के लिए समझ लिए एक मिनट कुछ सेकंड आपको मिलेगा, समझे। और JEE में भी यार बहुत कम टाइम रहता है यार, थोड़ा फास्ट स्पीड बढ़ाओ यार, स्पीड बढ़ाओ। और जो JEE का पेपर आया है अभी, कल जो पेपर हुआ है, उस पेपर को डाउनलोड करके देखिए कितना क्वेश्चन सॉल्व होता है आपसे, सिलेबस आपने पढ़ा है ना बहुत सारा। मेन क्वेश्चन दिखाओ, कौन सा मेन क्वेश्चन दिखाएं भाई, ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज डन बाय सिस्टम और सराउंडिंग, क्वेश्चन को पूछने का तरीका है ये। या आपको ऐसे पूछेगा, बताओ किसमें एक्सपांशन हो रहा है किसमें कंप्रेशन हो रहा है, कुछ भी पूछ सकता है। लास्ट दिखाओ, ये है लास्ट, स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ। स्वास्तिक आपका आंसर आया, स्वास्तिक बेटा, स्वास्तिक आंसर आया बाबू, बताओ जल्दी से, सुन रहा है भाई, सुन रहा है नहीं सुन रहा है, रिप्लाई तो कर एक बार। स्वास्तिक
चलो एक मिनट का टाइम है और तुम्हारे पास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। टाइम ओवर। अब करेंगे सॉल्व हम। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा इंटरनेशनल स्टार। ओके, अब इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व एक ही इंसान करेगा जो इंटरनेशनल स्टार है, ठीक है ना? तो अब देखो जरा, सबसे पहले डेल्टा एनजी निकालो, यहाँ का कुछ नहीं करो। फॉर्मूला क्या है? स्टोकेमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। तो टू और रिएक्टेंट जो गैस, ये गैस, ये गैस, 3 और 1, 4, क्या आ गया? -2। अब अगर डेल्टा एन जी निगेटिव आ जाएगा ना, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है? तो यह वर्क डन बाय, वर्क डन ऑन द क्या? सिस्टम। अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो किसने किया? सराउंडिंग ने। यहां पे क्या लिख देंगे? सराउंडिंग। बोलेगा एक्सपांसन और कंप्रेशन, क्या बोलेंगे? कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम डिक्रीजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है डिसोसिएशन ऑफ CaCO3, सॉलिड सॉलिड और ये गैस। तो इसका जो डेल्टा एनजी है क्या हो जाएगा? सिर्फ गैस वाले लेंगे 1, कोफिशिएंट इसका 1 है, और -0 कितना आ गया? 1। ये पॉजिटिव आ रहा है तो वर्क डन क्या आ जाएगा इसका? नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव मतलब बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम मतलब क्या हो रहा है? एक्सपांसन, ठीक है? नेक्स्ट ओजोनोलिसिस ऑफ O2। तो यहां देखो डेल्टा एनजी अगर आप निकालेंगे, कोफिशिएंट प्रोडक्ट में कितना है? 2। रिएक्टेंट में कितना? 3। क्या आ गया? -1। निगेटिव वर्क डन आया, सॉरी निगेटिव आया डेल्टा एनजी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव वर्क डन है तो ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट इज वर्क डन बाय द सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब क्या हुआ? कंप्रेशन, मेल्टिंग ऑफ आइस। इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेगा ना, उसको 100 रुपया भी सेंड करेंगे पेटीएम में। 100 रुपए का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जवाब देगा अभी तुरंत का तुरंत 100 रुपए इनाम मिलेगा उसको। मृत्युंजय का आंसर आया है 0। इस क्वेश्चन को जो सॉल्व कर देगा उसको तुरंत 100, चलो पैसा बढ़ा देते हैं, 500 रुपीज मिलेगा प्राइज। कोई नहीं है बैच में जो सॉल्व करे। ऐसे तो तुम लोग यार ग्रुप बना के बोलोगे, नहीं नहीं यार प्राइज मनी कैंसिल। तीन तीन लोग का ग्रुप बना के बोलोगे, एक बार एक बोलेगा 0 वर्क डन, एक बोलेगा वर्क डन बाय सिस्टम, एक बोलेगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, है ना? देखो अभी आदित्य राज का बढ़िया मैसेज आ रहा है, आंसर रिप्लाई आ रहा है, बढ़िया करो, ऐसी पढ़ो बाबू, चुपचाप बैठ के कुछ नहीं मिला है आज तक जिंदगी में, ठीक है? देखते हो कसिज है, नो वर्क डन। और बाकी लोग, बाकी बच्चे, बच्चे मन के सच्चे और दिमाग से बदमाश होता है ना? मैथिली अनुज, नो वर्क डन सराउंडिंग। चलो देखो जरा, अब हम आपको बताते हैं कि क्या होगा, वर्क डन इस पे पॉजिटिव होगा या क्या होगा। सबसे पहले एक बात जान लीजिए बच्चों, मेल्टिंग करा रहे हैं आइस का, है ना? मेल्टिंग ऑफ क्या? आपका आइस, ये आइस है और ये क्या है? लिक्विड, ठीक है? लिक्विड स्टेट पे और ये सॉलिड पे, मतलब ये आइस है और ये वाटर है जिस एकदम लिक्विड स्टेट। आपने सुना होगा कि जब पानी लेते हैं ना, और उसमें जब हम लोग आइस डाल देते हैं तो फ्लोट करता है, फ्लोटिंग। काहे फ्लोट करता है? क्या रीजन है? रीजन है कि डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर,
ऐसा क्यों होता है? आपको पता होगा कि केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है यहां पे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ क्या आइस, सम वैकेंट स्पेस प्रेजेंट रहता है इन केस ऑफ क्या आइस, मतलब ऐसा एच ओ एच ओ एच एच है ना, ओ एच एच इधर से ओ एच एच इस तरीके से, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इधर से इधर से इधर से ये चार चार ऐसे बनते जाता ग्रुपिंग, ये बीच में देखो क्या बन रहा है गैप। क्लियर, समझ पा रहे मेरे प्यारे नादान परिंदो, समझ पा रहे हो? तो ये बीच में क्या गैप है, वैकेंट स्पेस है। और ये सिर्फ यही नहीं, पूरे होल क्रिस्टल मतलब जो ये अरेंजमेंट बन रहा है हर जगह ऐसा सा केज लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे ही हम हीट करते हैं है ना, तो ये जो नादान परिंदों का जो गुफा है ये धीरे धीरे क्या होता है, टूट जाता है और पूरा ये कोलैप्स करेगा। और जब कोलैप्स करेगा तो आप समझ लीजिए है ना कि जो वॉल्यूम उसमें चेंजेस आएगा। अब क्या चेंज आएगा, तो देखिए डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वेट ऑफ आइस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्या आपका आइस, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड का जो है वो क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट, क्या हो जाएगा कि वेट ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट डिवाइड बाय वॉल्यूम है ना ऑफ H2O इन लिक्विड स्टेट। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूछना ये चाहता हूं कि बता दो बच्चों ये बात बता दो कि क्या क्या वाइट वेट जो है दोनों में कॉमन सेम है कि नहीं है? बिल्कुल है, जितना H2O कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में तो दोनों का वेट क्या रहेगा सेम। तो अगर डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड है तो लिखेंगे वेट ऑफ आइस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइस लेस देन वेट ऑफ H2O इन लिक्विड स्टेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ H2O इन वाटर लिक्विड स्टेट। तो ये दोनों का कल्याण हो गया। ओके अब क्या कर दिए, यहां से इधर से आ गया कि वॉल्यूम ऑफ H2O जो लिक्विड स्टेट पे है लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइस है ना, क्लियर। तो ये कंडीशन आ गया जो नॉर्मल केसेस आपने पढ़ा था कि जब सॉलिड लिक्विड के बीच में हम वॉल्यूम कंपैरिजन करते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम टेंस टू जीरो होता है, लेकिन वो बात यहां वैलिड नहीं हुआ क्योंकि H2O के आइस के फॉर्म में एक स्पेशल केज है, केज बन रहा है, एक गैप बन रहा है, और जब जैसे हीट करेंगे तो ये कोलैप्स करेगा तो वॉल्यूम तो डिक्रीज ना होगा यार, समझ रहे हो ना बतवा है ना। तो ये कंडीशन आ गया यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड लेस देन वॉल्यूम ऑफ क्या आपका आइस। तो अगर वॉल्यूम लेस हो रहा है मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका डिक्रीजेस, डिक्रीजेस करना तो है लेकिन आपको दिमाग खोल के रखना है ना, ये रिएक्शन ये फेज चेंज है ना, ये बात आपको तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना। वगडन का मेन फॉर्मूला आपको पता है ना, माइनस ऑफ पी डेल्टा बी, वो तो पता है ना भाई मेरा, बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ सम गैप होता है वॉल्यूम में तो सम डिफरेंस होता है, इसलिए डेल्टा बी तो लेना ही पड़ेगा ना। तो अब देखिए अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो गया कंप्रेशन, और कंप्रेशन मतलब डेल्टा बी का वैल्यू क्या आ जाएगा निगेटिव। तो जब आप वर्कडन लगाओगे माइनस ऑफ पी डेल बी, ओके तो ये निगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, ओके तो यहाँ पे क्या बोलेंगे वर्कडन बाय द सराउंडिंग। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है ना, तो ये बात आप ध्यान रखना बच्चों। अभी आगे बढ़ता हूं, आगे है डिसोसिएशन ऑफ PCl5, PCl5 का टूटना क्या कहलाएगा डिसोसिएशन। अरे बुड़बक वर्कडन ऑन द सिस्टम बोलो या वर्कडन बाय सराउंडिंग बोलो, बात तो बराबर ही ना है भाई। आखिर सिस्टम पे अगर वर्क हो रहा है तो कौन किया, सराउंडिंग किया ना, तो हम वर्कडन बाय सराउंडिंग बोले या वर्कडन ऑन द सिस्टम बोले, बात तो बराबर ही है ना भाई। अरे किसने रिप्लाई किया था यस और नो बताओ, अभी जो बात बोले समझ में आया क्या? अरे वर्कडन बाय सराउंडिंग बोलो या वर्कडन ऑन द सिस्टम बोलो, बात बराबर होता है के? अभी दराज आओ, यहाँ पे डेल्टा एनजी अगर आप निकालेंगे, डेल्टा एनजी अगर आप निकालेंगे तो वन और वन टू, अब माइनस क्या आपका वन, तो कितना आ गया वन,
तो डेल्टा एनजी, मुस्कुराते हुए कहिए आप कहाँ बैठे हैं, कौन सा शहर में बैठे हो यार, क्या नाम है, रत्नागिरी है ना, और डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या हो गया वन, यहां से जो वर्क डन है वो क्या जाएगा निगेटिव, इसका मतलब क्या आपका, यस 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 मैथिली, ये जो केस है वो वाटर के केस में ही ऑब्जर्व हो रहा है, ओके बाकी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन होगा तो आपको ध्यान में रखना, इसलिए मैंने ये चीज बताया ताकि आप बाद में ध्यान रखें। ये क्या हो गया आपका एक्सपांसन, ये क्वेश्चन, एक बात मेरी बात सुन लो, ये क्वेश्चन मेरा डिस्कस करने का मकसद यही है ना कि जब भी कोई थ्योरी पढ़े ना तो जो मेन है जहां से वो जेनरेट हुआ है उसको मत भूलो, है ना, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए तो यहां तक पूरी बातें मैंने बताने का काम किया, आपको समझाने का कोशिश किया है, अब पता नहीं आपको समझ आया कि नहीं आया, कुछ बच्चे ने बोले यस सर, कुछ ने कुछ भी नहीं बोले, मतलब उनको पता ही नहीं है कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लिखिए जल्दी, टाइम नहीं है बाबू, ए ऑफ गैस अ प्लस बी थ्री बी ऑफ गैस गिव्स टू सी ऑफ गैस, ये केमिकल रिएक्शन है जो बैलेंस है, सिंपल बोल रहा है, बोल क्या रहा सुनो, कैलकुलेट कैलकुलेट डेल्टा यू व्हेन 100 एल ऑफ गैस ए रिएक्ट विथ 300 ml of gas B at 180 m pressure, okay 180 m pressure, तो अब आप इसको कैलकुलेट करो जल्दी से, टाइम नहीं है, फास्ट, कुल मिला के पास एक मिनट का टाइम है, जितना फास्ट करोगे उतना बढ़िया बात, यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालना है, डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है बाबू, वैसे मत सोचना कि चावल दाल के जैसा खा जाएंगे, ऐसे नहीं, आराम से सॉल्व करना यार, जल्दी करो, बहुत सारे क्वेश्चन कराने यार, जल्दी कर यार भाई, जल्दी कर सब लोग, टाइम वह खत्म हो रहा है यार, 9 बज गया यार, चलो देखो डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है, ये बोल रहा है कैलकुलेट डेल्टा यू व्हेन 100 ml ऑफ गैस रिएक्ट विद 300 ml ऑफ गैस भी, और आपको याद होगा ना गेलुसेस लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम है ना, तो सबसे पहले और प्रेशर दे रखा है 180 m, ठीक है ना, तो मैं सॉल्व करूं, अच्छा इसका डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है, एक मिनट एक डेटा लिखना छोड़ दीजिए, डेल्टा एच दिया हुआ है इसका माइनस ऑफ 0.5 किलो जूल, माइनस ऑफ 0.5 किलो जूल, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, डेल्टा यू प्लस पी टू बी टू माइनस पी वन बी वन, मास्टर की फॉर्मूला लगाओ, जब करो करो फिर करो जल्दी,
चलिए डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी जो है वो क्या है आपका, प्रेशर दिया हुआ आपका 180 एम, तो कॉमन बाहर चला गया, बी टू क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो डेल्टा यू क्या हो गया डेल्टा यू प्लस पी इंटू, और सुनो मेरी बात जरा जरा बात सुनो, इधर देखो यहां रेशियो अगर हम बात करें ए प्लस थ्री बी गिव्स टू सी, कैसे सॉल्व करेंगे कि 1:3:2 का है मतलब भी इसका 3b से कंबाइन करेगा तो ये 2b बनेगा। अब ये दिया है जो इसका वॉल्यूम दिया इक्वेट करो, b इक्वल टू क्या 100 और 3b इक्वल टू 300, तो b इक्वल टू कितना आ गया 100, दोनों का सेम आ गया तो मतलब b का वैल्यू क्या हो गया 100। अगर डिफरेंट होता तो जो मिनिमम होता उसी को कंसिडर करते और जो मिनिमम आता उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, जो ज्यादा आता उसको एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। ओके अब याद देखो भी का वैल्यू 100 अगर लेंगे तो कितना बनेगा 2 × 100 मतलब 200 बन जाएगा ये ml में, ठीक है। तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम कितना बन रहा है 200 ml, यहां पुट कर दो 200 डिवाइड बाय 1000 क्योंकि लीटर में कन्वर्ट करना है, माइनस रिएक्टेंट का वॉल्यूम कितना है 100 a 300 b 300 100 क्या हो जाएगा 400 400 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। अब देखो ये प्रेशर हो गया एटीएम में और ये लीटर में, इसको मल्टीप्लाई कर दो फुल इक्वल टू 100 से, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये जूल में, यहां से आ गया डेल्टा यू और प्लस ये 202 कैंसिल आउट हो गया, पी इंटू 0.2 और माइनस 0.4 इंटू क्या आपका 100, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, यहां से आ जाएगा कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू और प्लस पी का वैल्यू 180 पुट कर दिए तो यहां पे आ जाएगा माइनस ऑफ 0.2 इंटू 100, ठीक है। ये है डेल्टा यू माइनस ऑफ 20, ये जो 20 आप देख रहे हो ना ये किसमें है जूल में, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे क्या बन जाएगा ये किलो जूल, और क्यों करना पड़ा क्योंकि डेल्टा एच का जो वैल्यू दिया है वो दिया माइनस ऑफ पॉइंट फाइव किलो जूल, ये भी किलो जूल में हमने कन्वर्ट कर लिया, इसको भी इधर भेज देंगे तो आ जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.5 प्लस ये कैंसिल आउट प्लस 0.02, ठीक है। तो यहां से आप कर लेंगे कि 84 माइनस ऑफ 0.48 किलो जूल, दिस इज डेल्टा यू। ठीक है समझ में आया सबको कैसे सॉल्व किए, समझ में आया बाबू, समझ में आया। यहां डायरेक्ट डेल्टा एनजी आरटी मत लगा देना भाई, डायरेक्ट डेल्टा एनजी आरटी मत लगा देना क्योंकि डेटा डेल्टा एनजी आरटी टर्म्स में नहीं दिया है ना, टेम्परेचर नहीं दिया है ना, तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे ना उससे। हम चेक तो जरूर कर लेंगे कौन वर्क कर रहा है ना, ये सब चेक तो जरूर हो जाएगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे यहां से। अगर यहाँ वर्क डन निकालने बोलते तो कैसे निकालते आप, माइनस ऑफ पी डेल बी, ओके तो क्या करते हैं माइनस ऑफ पी डेल बी कितना इसका 200 माइनस इसका कितना 400 और डिवाइड क्या करते 1000 और इंटू क्या करते 100, तो ये निकल जाता है इसका क्या वर्क डन, है ना, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते आपको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। आगे देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिएगा कि डेल एच कंबसन ऑफ बेंजोइक एसिड, डेल एच कंबसन ऑफ बेंजोइक एसिड इज -750 किलो जूल पर मोल एट 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट हीट नहीं इंटरनल एनर्जी
या कैलकुलेट डेल्टा यू ऑफ रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस। चलो जल्दी से सॉल्व करो इसको। मैं सॉल्व करता हूं। पहले बेंजोइक एसिड लिखो फॉर्मूला। बेंजीन में लगा देंगे COH, बन गया बेंजोइक एसिड। और जलाने के लिए प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन, और जब ये जलेगा, ये सॉलिड स्टेट पे है, ये गैस है, तो जलने के बाद बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और बनेगा बच्चों H2O। ठीक है ना, समझ रहे हो? अब कंडीशन ये है, बैलेंस करना पड़ेगा इसको। बैलेंस करने के लिए यहां पे 7 CO2 गैस और लिक्विड स्टेट पे दिया हुआ है 3H2O। 7 बैलेंस हो गया, 7 × 2 = 14 और 3। इसका रिएक्शन नहीं दिया होगा एग्जाम में, इतना ही क्वेश्चन था। कंबसन रिएक्शन आपको लिखने आना चाहिए कि जब भी किसी को जलाते हो कार्बन डाइऑक्साइड और इधर H2O बनता है। अब इधर देखो 14 और 3 17, 2 तो इधर है, यहाँ 15 चाहिए, 15/2 कर दो, हो गया बैलेंस। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे हमको, पहले डेल्टा एन जी निकालेंगे इसका। ये तो लिक्विड में लिए, ये हम लिए है किसमें, गैस में। 7 माइनस, ये तो सॉलिड है, इसका बात ही नहीं करना। यहाँ देखो 15/2 कितना हो जाएगा, 7 - 15 कितना हो जाएगा, 1/2 निगेटिव साइन के साथ। ये आ गया बच्चों डेल्टा एन जी का वैल्यू, है ना, डेल्टा एन जी आ गया -1/2। ठीक है ना, अब देखो लगा दो इधर से फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2V2 - P1V1। एक तो ये लगाते हैं और दूसरा क्या लगाते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। देख लो क्या दिया उसके हिसाब से, ये वाला डाटा सफिशियंट है इस बार अपने पास। तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा यहां से, डेल एच माइनस ऑफ डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है ना, अब डेल एच का वैल्यू क्या दे रखा है, -750 और वो भी ये दिया है किलो जूल में। तो माइनस ऑफ डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या आया है, 1/2 माइनस साइन के साथ, तो यहां पे प्लस हो जाएगा। और आर का वैल्यू रखेंगे 8.314 एंड टेम्परेचर जो रखेंगे देखिए कितना, 27 डिग्री, 27 मतलब 300 केल्विन, रख दिया 300 केल्विन। ठीक है ना, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। काहे काहे कि ये तो जूल में आ रहा है ना, सो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए ये काम हमने किए। अब इसको सॉल्व करें ना, डेल्टा यू का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जरा लिखो। क्वेश्चन है 5A गैस 3B गैस इज 4D गैस और प्लस 2C लिक्विड। इसमें दिया डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30 किलो जूल पर मोल, है ना। बोल रहा फाइंड डेल्टा यू व्हेन 1.2 मोल बी react with excess of A at 300 Kelvin, ठीक है, in a close rigid कंटेनर। प्रॉब्लम बहुत इजी है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत स्पेशल भी है, मतलब नॉर्मल कंडीशन लगा के अगर निकालने की कोशिश करेंगे
तो पक्के से गलत हो जाओगे, जल्दी से निकालो। थोड़ा सा बहुत सोचना पड़ेगा इस प्रॉब्लम के लिए। इस क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा ध्यान से सोचना पड़ेगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ऐसे फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। इसको ट्राई करोगे क्या घर पे? नेक्स्ट डे डिस्कस कर दूंगा, अभी टाइम ओवर होने वाला है इसलिए बोल रहा हूं। घर पे ट्राई करोगे? और क्वेश्चन दो तीन लिखवाना, वो लिखवा दूं फिर। चलो ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लेकिन मैं बता दूं ऐसा लाइटली नहीं लेना कि ऐसे बन जाएगा, ऐसे हंसते खेलते, बहुत सोचना पड़ेगा इसके लिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है थ्री नॉन आइडियल गैस, ए बी एंड सी, थ्री नॉन आइडियल गैस ए बी एंड सी रिएक्ट इन ए क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर एट 300 केल्विन, 300 केल्विन प्रेशर ऑफ सिस्टम इंक्रीज, प्रेशर ऑफ सिस्टम इंक्रीज फ्रॉम